हैदराबाद में पीर की अव्वलिन सातों के दरमियान भी वक्फे वक्फे से बारिश होती रही और आम जिंदगी पर इसका असर पड़ा। मुसलसल बारिश की वजह से मूसा नदी की सतह में भी कुछ हद तक इजाफा हुआ। शहर के आबगिर इलाकों नालों में भी बारिश का पानी जमा हो गया था। मुख्तलिफ महलों में घरों में पानी के दाखिल होने की इत्तला मिली है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर GHMC अमला मुतहरिक देखा गया। जुमा के रोज़ शाम में शुरू हुई ये बारिश का सिलसिला पीर की सुबह तक भी जारी रहा और कई मकामात पर पीर के रोज़ वक्फे वक्फे से बारिश की इत्तला मिली है। तेलंगाना भर में शदीद बारिश की वजह से आम जिंदगी दरम भरम होकर रह गई। जुमा से इतवार के दरमियान बारिश की वजह से 9 अफराद के हलाक होने की इत्तला है। हैदराबाद से कई अजला का रास्ता मसदूद होकर टूट कर रह गया था। रियासत भर में पीर के रोज़ तमाम तालीमी इदारों के लिए तातील का ऐलान किया गया। कई यूनिवर्सिटीज़ के इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर माल ने सेक्रेटेट में क़याम किया। तेलंगाना भर में पीर के रोज़ भी बारिश का सिलसिला जारी रहा और कई अजला में आम जिंदगी दरम भरम होकर रह गई। रियासत भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिश की वजह से 9 अफराद हलाक हो गए। मूसलाधार बारिश से शहर हैदराबाद का कई अजला से रास्ता बंद हो जाने से मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बेशतर शहरों पर कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम और सड़कों पर तेज़ पानी के बहाव की इत्तला है। हुकूमत ने रियासत के तमाम सरकारी महकमजात के अमले की रुख्सत मंसूख करके उन्हें फौरी खिदमत से रुजू होने की हिदायत दी है। तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में मुसलसल बारिश के सबब साउथ सेंट्रल रेलवे की 80 से ज़ायद ट्रेनें मंसूख हो चुकी हैं और कई मुकामात पर पटरियों के बह जाने की शिकायत है। तेलंगाना में बारिश की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर माल श्रीनिवास रेड्डी ने सेक्रेटेट में कायम कंट्रोल रोल में मौजूद है। उन्होंने मुख्तलिफ अजला की सूरत हाल के मुतालिक आगही हासिल की।